से आप लोग आशा करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेन 20 के बारे में काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ट्रेन 20 आएगी, कब आएगा, क्या है पूरी जानकारी, या आएगी भी या नहीं आएगी। आज मैं पूरी की पूरी ये बात आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा इस जानकारी के बारे में पूरा जानने के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। फ्रेंड्स, जो लाल कलर का सब्सक्राइब का टैब दिख रहा है उसको दबा दीजिए। आपको बता दें फ्रेंड्स कि ट्रेन 20 के बारे में आपने काफ़ी चीज़ें सुनी होगी, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ICF के रिसेंट जो जनरल मैनेजर थे, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, उनके तरफ से ये जानकारी आ रही है कि जो ये ट्रेन 20 का जो प्रोजेक्ट है ये करप्शन के हत्थे चढ़ चुका है। करप्शन और काफ़ी चीज़ें हैं जो उनके द्वारा बताई गई एक इंटरव्यू में। और उनका नाम है सुधांशु जी उनका नाम है। और बताना चाहूँगा, ये ICF के जनरल मैनेजर हैं जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। और अब एक बात और निकल के आ रही है फ्रेंड्स कि ट्रेन 20 जो आने वाली है भी या नहीं है, ये पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको एक बात और बता दूं फ्रेंड्स कि ट्रेन 20 जो आने वाली थी ये फॉरेन से इम्पोर्ट होके आने वाली थी, जो कि मुझे भी अभी पता चली है। और जो ये आने वाली थी इसका प्रोडक्शन ICF द्वारा किया जाता। मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी जो ट्रेन आने वाली थी, जो ट्रेन 20, इसमें से 3 यूनिट जो थे वो फॉरेन से लिए जाते और 3 यूनिट के बाद इसका प्रोडक्शन जो है ICF चेन्नई में किया जाता। पहली 3 यूनिट बाहर से मंगाई जाती और बाकी जो आने वाली चौथी, पांचवी, पंद्रहवीं जो भी थी यूनिट्स, उसका प्रोडक्शन ICF चेन्नई में इसका प्रोडक्शन किया जाता। और हम लोगों को लग रहा था कि ट्रेन 18 में कुछ मॉडिफिकेशन करके इसको ट्रेन 20 का नाम दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। जो ट्रेन 20 था उसका फॉरेन से इंपोर्ट करके और फिर उसके प्रोडक्शन ICF चेन्नई में इसका प्रोडक्शन होने वाला था। और फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं, और इसका प्रोडक्शन होने वाला था क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन, ये पूरी की पूरी नई टेक्निक इसमें यूज़ की जा रही थी, जिसमें कि ये नहीं था कि हम किसी क्लासरूम में या हमारे इंजीनियर्स को बता सके, वो सामने जब देखेंगे कैसे प्रोडक्शन हो रहा है पूरे अच्छी तरीके से लर्न कर सकेंगे इसीलिए। और इनका कहना था कि इसका प्रोडक्शन जो होगा, रिमेनिंग 3 यूनिट तो बाहर से आएगी, बाकी का प्रोडक्शन इंडिया में ही होगा और वो हमारे इंजीनियर्स के सामने होगा ताकि वो लर्न कर सके कि कैसे इसका बाकी के रिमेनिंग जो यूनिट है उसको कैसे उसका प्रोडक्शन कैसे करना है। और एक बात और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ऑलस्ट्रोम, जिसके बारे में आपने सुना होगा, ऑलस्ट्रोम जो कि बैक 20 जो लोकोमोटिव है, वो ऑलस्ट्रोम द्वारा दी गई है या बता उनके द्वारा दी गई है, मतलब उन्हीं वही प्राइवेट कंपनी है। और उन कंपनी ने पहले शुरुआत में यहाँ पे लेके आए और फिर उसके बाद इंडियन जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको बताया यूनिट की कैसे बनती है लोकोमोटिव, ये वाली जो बैक 12। तो इसमें क्या था कि ये अपनी यूनिट देने के बाद ये कुछ समय तक कुछ यूनिट्स में हमारे इंजीनियर्स की हेल्प करते हैं ताकि वो लर्न कर सके पूरी तरीके से कि इसके रिमेनिंग जो यूनिट्स हैं वो कैसे बनाए जा सकते हैं। और ये भी था फ्रेंड्स, जो आपने ट्रेन 20 के बारे में, कि इसकी जो डिज़ाइनिंग होगी वो डिज़ाइनिंग भी ICF के इंजीनियर्स के सामने होगी, ताकि अगर एक बारीकी सी लाइन का भी डिज़ाइन कुछ किया जाए तो वो पूरी तरीके से लर्न कर ले हमारे इंजीनियर्स, ताकि रिमेनिंग जो यूनिट है उसमें वो यूज़ कर सकें। तो ये थी। और अब आपको बता देता हूँ, फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेन 20 आने वाली है भी या नहीं है। एक बात बता दो, इसकी टेंडरिंग की गई, फिर उसके बाद इसकी टेंडरिंग में फ्रेंड्स कुछ गड़बड़ी आई, इसकी जो टेंडरिंग की गई तो फिर उसके बाद रेलवे में कंप्लेन आई इसकी टेंडरिंग के अगेंस्ट, तो फिर इसमें दोबारा रीटेंडरिंग की गई और रीटेंडरिंग करने के बाद भी ये ढीला सा पड़ गया इसका ये प्रोजेक्ट, और अभी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और अभी जहाँ तक देखने में आ रहा है, आने वाले टाइम पे ट्रेन 18 जो वंदे भारत की 44 ट्रेन्स और चलने वाली है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और अभी आपने न्यूज़ सुनी है प्राइवेट ट्रेनों के बारे में कि प्राइवेट ट्रेनें आ रही हैं, फ्यूचर में हो सकता है आपको प्राइवेट ट्रेनें देखने को मिल जाए, ट्रेन 18 देखने को मिल जाए, लेकिन ट्रेन 20 अभी लग नहीं रहा कि आपको देखने को मिलेगा, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। और क्योंकि इसको एक कह सकते हैं कि ठंडे बस्ते में एक तरीके से डाल दिया गया है। और फ्रेंड्स, ये थी पूरी की पूरी जानकारी। कैसा लगा आपको वीडियो? चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिए, आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक खून की बूंद के जैसा है। बाय फ्रेंड्स।